हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए टेक्सटॉक को और बेल आइकन पे क्लिक करना टू गेट नोटिफाई अबाउट माय नेक्स्ट एनिमेटेड टेक वीडियो। हेलो गाइस, अब आप भी एंड्रॉयड फोन पे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे विंडोज फोन में मल्टी विंडो का ऑप्शन होता है या फिर मल्टीटास्किंग का ऑप्शन होता है, हम इस स्क्रीनशॉट के जैसे हम अपने ही फोन पे फेसबुक, यूट्यूब और भी बहुत सारे ऐप्स एक साथ यूज कर सकते हैं और इस ऐप को इंस्टॉल करना है। और यह सबसे बेस्ट ऐप है मल्टीटास्किंग के लिए। हमारा एंड्रॉयड फ़ोन एकदम विंडोज़ के जैसा मल्टीटास्किंग फीचर्स है इसमें, बट इस पर कोई डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं था। तो हम ये सबसे बेस्ट ऐप है एंड्रॉयड मार्केट पे। तो हम इस ऐप को इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें ऐप सिलेक्ट करना है जिसको हमें मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करना है। तो हम इस एप्लीकेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी इतने सिलेक्टेड ऐप्स है जो हम लोग मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लोज़ करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे सिलेक्ट करना है। हम ऐप्स पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से ऐप चाहिए। तो शो इन फ्लोटिंग मेन्यू, तो मैं इस पर थर्ड टैब पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको ऐप्स फ्लोटिंग में चाहिए। जैसे कि मुझे ब्राउज़र तो नहीं चाहिए, कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, मैंने फेसबुक को ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है। फिर मुझे म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, फिर मुझे ट्विटर और यूट्यूब चाहिए, बस मुझे इतने ही चाहिए और जो भी डिफ़ॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर अगर आपको इस फ्लोटिंग मेन्यू को अगर आपको होम स्क्रीन पर रखना है तो ऐड शॉर्टकट टू होम स्क्रीन पर भी क्लिक करेंगे हम। तो अभी हम देखेंगे इसको, टेस्ट करेंगे कैसे चल रहा है। मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा ये फेसबुक का एक टैब होम स्क्रीन पर आ चुका है, विडजेट बोलते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले इस विडजेट पर ओपन करेंगे, तो एप्लीकेशंस का विडजेट आएगा। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी विडजेट चाहिए, जैसे कि फेसबुक चाहिए मुझे। फेसबुक का ऑटोमेटिकली एक फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर हमें और भी कोई ऐप्स यूज़ करना है, जैसे कि अभी मैं यूट्यूब ओपन करूँगा, तो मैं इस फेसबुक को मिनिमाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिखाया है सेम विंडोज़ के जैसा, बॉक्स पे क्लिक करेंगे राइट साइड कॉर्नर में, ऑटोमेटिकली ये टाइम के यहाँ पर कॉर्नर में आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा है, देखो हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये वापस आ जाएगा। तो अभी हम इसे मिनिमाइज ही रखेंगे, हम यूट्यूब ओपन करेंगे, हम यूट्यूब का मेन विंडो ओपन करेंगे। जब तक ये ओपन है तब तक मैं फिर से फेसबुक पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर फिर से टाइम के यहाँ पर एक 1 पे क्लिक करेंगे, हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरा यूट्यूब ओपन हो गया है। अगर मैं यूट्यूब पर ब्राउज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आपको ये तो फिर से मिनिमाइज कर देंगे, हम यूट्यूब यूज़ करेंगे और फिर से फेसबुक पे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग हो रहा है। मल्टीटास्किंग के लिए अगर आपको दूसरा कोई ऐप सिलेक्ट करना है फेसबुक को क्लोज करके, तो हम फेसबुक को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो मैंने ये विडजेट को नीचे, ये जो थंबनेल बनाया है इस चीज़ को मैंने नीचे स्क्रॉल किया है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपने ऐप सिलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अभी मैं ट्विटर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ट्विटर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्विटर आ गया। हम और भी ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ट्विटर भी और म्यूज़िक प्लेयर भी करूँगा। तो आप देख सकते हैं म्यूज़िक प्लेयर, ट्विटर और यूट्यूब एक साथ चल रहा है। मैं अभी क्लोज करूँगा। अभी आपको मैं बताऊँगा कि ये ऐप्स कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। ये ऐप्स हमें अगर हम क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हैं और क्लैश ऑफ क्लैंस में हमारी आर्मी बिल्ड होने के लिए बहुत टाइम जाता है एक बार वॉर होने के बाद, तो हम टाइम पास के लिए हम फ्लोटिंग ऐप्स यूज़ करके फेसबुक या यूट्यूब पर ब्राउज भी कर सकते हैं। अगर हम मिनी मिलिशिया खेल रहे हो और हमारा प्लेयर मर जाए, तो हम यूट्यूब और फेसबुक पर टाइम पास कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट राउंड स्टार्ट ना हो जाए। इस तरह हम फ्लोटिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। अगर आपका रैम फ़ोन का बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि 2GB एंड प्लस, तो आपके लिए फ्लोटिंग ऐप्स कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। और ये ऐप बहुत अच्छा है, इसका रेटिंग 4 स्टार से ऊपर ही है प्ले स्टोर पर। आप इसे डाउनलोड कर दीजिए और यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। और सब्सक्राइब के बाजू वाला बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना, उससे हम कनेक्टेड रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।